आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। इसी बीच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.एस. शर्मा ने लोगों के आरोपों को झूठा साबित करने के लिए अपने आधार नंबर को सोशल मीडिया पर डाला और चुनौती दी कि मेरा नंबर लीक करके बताओ। ट्राई प्रमुख की इस चुनौती के कुछ मिनटों बाद ही फ्रांस के एक सुरक्षा विशेषज्ञ ने उनका नंबर हैक करके दिखा दिया। साथ ही उन्हें बताया कि आधार असुरक्षित है, इसके जरिए जानकारी साझा हो सकती है। कई बार ये आरोप लगाए गए हैं कि हर जगह आधार के इस्तेमाल से लोगों के डेटा सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। आम जनता को यह डर बना हुआ है कि उसका 12 अंकों का बायोमेट्रिक नंबर कहीं उसके निजता का हनन तो नहीं कर रहा, लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार आधार को अनिवार्य बनाने की रट लगाए बैठी है। सरकार का दावा है कि आधार से कोई जानकारी लीक नहीं होती। ट्राई प्रमुख आर.एस. शर्मा ने भी सरकार के दावे पर मुहर लगाने के लिए इसे हैक करने की चुनौती दी, लेकिन कुछ ही घंटों में लोगों ने उनका पैन और मोबाइल नंबर निकालकर इस चुनौती को फेल कर दिया। दरअसल ट्राई प्रमुख आर.एस. शर्मा आधार को अनिवार्य बनाने के पक्षकारों में से एक हैं, इसलिए कल उन्होंने सुरक्षा का पुख्ता दावा पेश करते हुए अपना 12 अंकों का आधार नंबर ट्विटर पर जारी किया था और कहा था कि अगर इससे सुरक्षा से जुड़ा कोई खतरा है तो कोई मेरे आंकड़े लीक करके दिखाए। लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी यह चुनौती फेल हो गई, क्योंकि फ्रांस के एक सुरक्षा विशेषज्ञ इलियट एल्डरसन ने आधार नंबर के जरिए ट्राई प्रमुख का निजी पता, जन्मतिथि, वैकल्पिक फोन नंबर सब कुछ बता दिया। उन्होंने इन आंकड़ों को जारी करते हुए बताया कि आधार संख्या असुरक्षित है, लोग आपका निजी पता, वैकल्पिक फोन नंबर से लेकर काफी कुछ जान सकते हैं। इस चुनौती के फेल होने के बाद लगता है कि ट्राई प्रमुख के साथ साथ सरकार भी अब सकते में है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।